हमारे जीवन में जो बहुत बड़ा बदलाव आता है ना, वो अक्सर छोटी छोटी चीजों से आता है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े एफर्ट्स पे ध्यान देते हैं। और होता यह है कि ना तो हम बड़े एफर्ट्स कर पाते हैं क्योंकि मेहनत ज्यादा लगती है और आलस ज्यादा आता है, और हम छोटी छोटी चीजें कभी करना चाहते नहीं है। इस वीडियो में हम 5 ऐसे डे टू डे लाइफ में करने वाली छोटी छोटी चीजें बताने वाले हैं जो कि इतनी छोटी हैं कि करना बेहद आसान है, लेकिन उनका जब आप इंपैक्ट देखेंगे लॉन्ग रन में तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। 5वीं चीज जो कि आपको डे टू डे लाइफ में करनी चाहिए, और वह सुबह की शुरुआत ध्यान से करना। हमारे जीवन की जो शुरुआत होती है ना, वो हर दिन के सुबह से होती है, क्योंकि जो पूरा जीवन होता है वो दिन से मिलके बना हुआ होता है, और आज के दिन में मैं कितना ज्यादा प्रोडक्टिव रहूंगा वो मेरी सुबह से डिसाइड होता है। तो सबसे पहले तो आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, उठना पड़ेगा, और आपको हमेशा ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, आपको आराम से बैठकर विचार करना चाहिए, खुद में देखना चाहिए। अब ये भारी भारी कॉम्प्लेक्सिटी करने की जरूरत नहीं है, आप बस बैठें और बिल्कुल चुप रहिए। कोई आपको फोकस नहीं करना, कोई आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं लेना, भगवान की प्राप्ति नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आराम से सुबह आकर बैठो, फील करो, वो जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसको फील करो, खुद को जानो। आपको लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो पागलपंती है, लेकिन बस मेरे कहने से 20-25 दिन ये करके देखना और बदलाव देखना। होता क्या है कि जो पूरा दिन का कार्यक्रम होता है वो हमारे दिमाग से होता है, है ना, और दिमाग अगर फ्रेश नहीं रहेगा तो कैसे करेगा। सुबह उठकर जब आप ध्यान करते हो तो आपका मन शांत रहता है, जब मन शांत होता है तो अच्छी चीज़ों पर फोकस करता है, और उन चीज़ों पर फोकस करता है जो सच में काम की हैं। 4थी चीज़ जो कि आपको डे टू डे लाइफ में करनी चाहिए वो है व्यायाम, यानी कि एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप हो सकता है जिम जाएं, हो सकता है वॉक पे जाएं, हो सकता है आप योगा कर लें, कुछ भी ऐसा जो आपको फिजिकली फिट बनाकर रखे, क्योंकि इस जीवन में अगर आपको जीना है तो आपको शरीर से जीना है। आप कितने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाएं, कितने ही अच्छी बुक्स क्यों ना पढ़ लें, अगर आपका शरीर खराब हो गया तो वो ब्रेन भी, मस्तिष्क भी, मन भी सब चला जाएगा, आपका IQ धरा का धरा रह जाएगा। तो आपको अपने फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, वॉक पे, जिम जाके बहुत आसान सा काम है। 3 चीज जो कि आपको करनी चाहिए वो है किसी भी चीज को हंस के देखना, लाइटर नोट पे देखना। हर चीज में बुरा मान जाना, हर चीज को सीरियसनेस में ले लेना, ऐसी चीजें नहीं चलती। और अक्सर जो सीरियस लेने वाली बात होती है हम उसको मजाक में ले लेते हैं, और जो कोई बात मजाक में लेनी चाहिए उसको सीरियस लेके बैठ जाते हैं मुंह फुलाकर। और पता कैसे चलेगा कि कौन सी बात को सीरियस लेना है, कौन सी बात को हल्के में? एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से, दिमाग लगाकर देखो आसपास क्या माहौल है, कौन सी चीज किस बात के लिए कही जा रही है। अगर हर चीज को सीरियस ले लोगे तो कभी जीवन में खुश रह ही नहीं पाओगे, और अगर हर सीरियस चीज को मजाक में ले लोगे तो इसका मतलब है कि आपको जीवन में कोई सुख चाहिए ही नहीं। अगली चीज 2, अपने आप पर ट्रस्ट करना, विश्वास करना। ये जो जिंदगी है ना, ये आप दूसरों के भरोसे नहीं जी सकते। हम अक्सर दूसरों की वजह से अपने आप को देखते हैं कि दूसरे हम लोगों को किस तरीके से देख रहे हैं, हम भी अपने आप को वैसा ही देखते हैं, हम यही तो करते हैं। अगर मैं अच्छा नहीं दिख रहा तो मैं बोलूंगा यार मैं बहुत गंदा दिख रहा हूं, मैं अच्छा नहीं दिख रहा। इस चीज से किसको फर्क पड़ रहा है? क्या सच में मुझे फर्क पड़ रहा है? नहीं। और अगर मुझे फर्क पड़ भी रहा है तो इसलिए कि लोग जब मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। लोगों की नजर से मैं अपने आप को बुरा फील करवा रहा हूं कि जब लोग मुझे देखेंगे तो मैं गंदा लगूंगा, मैं काला हूं तो जब लोग मुझे काला देखेंगे तो वो मेरे को जज करेंगे, मैं छोटा रह गया तो जब लड़कियां मुझे देखेंगी तो बोलेंगी कह रहे तो छोटा रह गया। अदरवाइज मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं छोटा हूं, काला हूं, मोटा, मैं खुद को देख कहां रहा हूं भाई? शीशा में 5 मिनट देखता हूं और इतना सब सोच रहा हूं। तो मेरे को लोगों से फर्क पड़ता है। आपको खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो चीजें आप चेंज नहीं कर सकते उन चीजों पे फोकस मत करिए, खुद पे ट्रस्ट करिए और खुद का ही विश्वास जीतिए, दूसरों का नहीं। और लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, नए ज्ञान की तलाश करिए, नई चीजें सीखते रहिए। मार्केट में कौन सी नई स्किल आ रही है, कौन सा इंसान आपको कुछ नया सिखा रहा है, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जीवन में आपको ये लग जाएगा ना कि अब तो मुझे सब कुछ आता है, तो पहली बात आपको कुछ नहीं आता, और अगर आता भी है तो आज के परिवेश में आता है, आज के अकॉर्डिंग आता है। आसपास के जो फ्रेंड्स हैं उनके कंपैरिजन में आप समझदार हो सकते हो, लेकिन आज के माहौल में हो सकता है कि 5-6 महीने बाद सारे फ्रेंड्स मेहनत करें और आप ऐसे कैसे रह जाओ, सब आगे निकल जाएं और आप पीछे रह जाओगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो नई नई चीज़ें सीखते रहिए, नया नया ज्ञान प्राप्त करते रहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई सीमा नहीं होती, सीखते रहिए, आगे बढ़िए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने बाकी दोस्तों में ताकि उनको भी आप कुछ सिखा सको। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।